गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग ये लाइट का 9th वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में जितना ही फेनोमेना होता था, जितना हमको पढ़ना था, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, तो इसके बारे में पहले लिख लेंगे। इट इज द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और कोई खास बात नहीं है। फिर उसके बाद कुछ कुछ बातें ध्यान रखने लायक है कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट, इज डिफरेंट। दूसरा सी, सी बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, लगभग दोनों बराबर ही होते हैं। एंड दैट इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आपको याद रखना है। ओके, सो ये, और जैसे एयर या वैक्यूम की बात करें तो इतना होता है, और किसी किसी मीडियम में अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ग्लास के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, तो ये सारा कंडीशन है, इसको आप याद रखिए। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जो भी स्पीड होगा लाइट का, वो एक कांस्टेंट होगा, बस इतना ध्यान रखिए आप। ठीक, इसको लिख लीजिए। अब वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो जरूरत पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना पड़ेगा आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम। ठीक है, इट इज द स्पीड, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये एक रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक है, इन मीडियम वन टू मीडियम टू। ठीक है, जिसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे, ये लिखने का तरीका है। जब लाइट ट्रेवल कर रहा है वन मीडियम से सेकेंड मीडियम तक, तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट लाइट इन मीडियम वन टू वेलोसिटी, सॉरी स्पीड करिए स्पीड, क्योंकि जो लाइट का जो स्पीड होता है, वेलोसिटी यानी कि डायरेक्शन की बात करें अगर, तो हर तरफ होता है। इसलिए ज़्यादा बात हम यहाँ वेलोसिटी का नहीं, करेक्ट बात तो स्पीड का होता है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। ठीक है, हालांकि इसके बारे में अंतर आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ठीक है, म्यू वन टू, मतलब अगर लाइट वन से लेकर टू में जा रहा है, सपोज ये, अच्छा सरफेस क्या होता है? सरफेस क्या होता है? एक इमेजिनरी बाउंड्री जो कि दो मीडियम को अलग करता है, उसको बोलते हैं सरफेस।
जैसे आप एक ग्लास पानी रखें तो पानी का जो ऊपर वाला लेयर होगा वो एक सरफेस है जो पानी और एयर को अलग अलग कर रहा है, ठीक है। तो सरफेस क्या है, बेसिकली इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन जो विच डिफरेंशिएट मीडियम वन एंड मीडियम टू, अलग अलग उन लोगों को करता है। तो मान लीजिए ये एक सरफेस है, यहाँ मीडियम वन है और यहाँ मीडियम टू है, ठीक है। अगर लाइट यहाँ से आ रहा है, सपोज लाइट आ रहा है और ये बेंड किया, तो हम बोलेंगे वन से लेकर टू पे गया, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू वन टू, वन यहाँ पे टू यहाँ पे। किसी किसी बुक में ये ऐसे भी रहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुख्य रूप से ज़्यादा बुकों में ये मिलेगा आपको, तो हम यही लेके चलेंगे। चाहे ऐसा भी होगा तो मतलब यही होगा, ठीक है। दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, इज इट ओके। इसके बेसिस पे दो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होते हैं, ठीक है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अच्छा, दूसरी बात, इस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करेंगे। म्यू आप याद रखिएगा, यहां पे अगर करना हो तो ब्रैकेट में लिख दीजिए म्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यू, ऐसे करके ऐसे, ये होता है म्यू। इसी को रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के को रिप्रेजेंट करेंगे। कई बुकों में एन से रिप्रेजेंट करता है, बट आई विल टेक म्यू, ठीक है। ज़्यादातर बुकों में ये म्यू से ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और दूसरा रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसको समझेंगे, लिख लीजिए इसको, ठीक है। अगर ये 2 से 1 जा रहा होता तो यहां करते म्यू 2 1, यहां पे 1 यहां पे 2 यहां पे। अगर वो 2 से 1 जाता रेज, यहां 1 से 2 जा रहा है इसलिए 1 से 2 लिखे, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं इसको, चलिए। यहां पे लिखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहां लिखेंगे व्हेन वन ऑफ द मीडियम इज वैक्यूम और एयर, या तो वैक्यूम हो या तो एयर हो, देन कोरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे म्यू जीरो वन, म्यू जीरो वन, जीरो मतलब क्या, वैक्यूम या एयर, याद रखिएगा। या तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करे या तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करे, बात एक ही है, बात में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये बात आप याद रखिएगा। म्यू वन नहीं भी लिखा है तो हम समझेंगे कि वो, अगर नहीं लिखा है तो मतलब एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, दोनों बराबर होता है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं। तो सपोज करिए इस केस में अगर ये जीरो है, मतलब वैक्यूम है या एयर है, और ये मीडियम वन है, ठीक है, तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू, इसका होता है सी और इसका होता है वी, ठीक है ना। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, ठीक है, और वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए।
इसमें थोड़ा पीएचडी कर लेते हैं पहले, इसको कर लीजिए इसको। कई बार बच्चों को इस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम रहता है, बट प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, नोमेनक्लेचर्स है जो डिफाइन करा गया है हमारे लिए, उसको हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अब देखिए, और जनरली हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का ही बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमसे पूछा गया, जैसे ऐसे पूछा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऐसा बोल दिया गया। ठीक है, आप सीधा समझ जाइए मीडियम मेरा क्या है, एयर है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जनरली हम वैक्यूम ही लेते हैं, बट वैक्यूम और एयर का दोनों बराबर होता है, इसलिए हम दोनों सेम लेते हैं, लाइट इन एयर। ठीक है, दरअसल सच बात तो यह है कि वैक्यूम में ही लेते हैं, लेकिन वैक्यूम और एयर में स्पीड दोनों सेम होता है, इसलिए कई बार वैक्यूम ऑब्लिक एयर भी कर देते हैं। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, वन, क्योंकि दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम है। सो कोई भी पूछ ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है, वन। ठीक है, अगर हमसे पूछ ले, अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो जीरो, या नहीं तो सीधा म्यू जीरो, ये भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज वन। अगर हमसे पूछ लिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऐसा पूछ लिया गया, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, म्यू वन जीरो, या फिर अगर ग्लास है, अगर आपको वन टू नहीं आपने लिखा है तो म्यू जीरो और जी कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू जी। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, और दैट इज, मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता है, आप टेबल देखिएगा तो उसमें समझ में आएगा, 10^8 और अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो होता है वो 2 होता है, 2 × 10^8। ठीक है, जब इसको आप कट करोगे ये आएगा 1.5। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर हमसे आपसे सिर्फ पूछे हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इट मींस कि हम क्या पूछे हैं आपसे, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। अगर हमने आपसे सिर्फ एक ही मीडियम का नाम लिया है कि चलो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या होता है, आप क्या समझोगे कि हमसे क्या पूछा गया है, एब्सोल्यूट। ठीक है, ये और किसी भी मीडियम का वो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, सपोज करिए ये है एक सरफेस, ये है मीडियम वन और ये है मीडियम टू, तो मान लीजिए कि रे इधर आ रहा है और ये ऐसा गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, म्यू वन टू, क्योंकि वन से लेकर टू पे जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम वन, मतलब अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीडियम वन में, तो वी वन, मान लीजिए दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन वी टू, इज दिस ओके। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर आप ऐसा करो कि हम इसको ऐसे लिख दें, सी अपॉन वी टू अपॉन सी अपॉन वी वन, लिख सकते हैं, देखिए तो आप इसको ऊपर लेके जाइए, सी सी कट जाएगा, फिर तो यही आ जाएगा। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं इसका, ये क्या है, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, और ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, इसको हम लिखेंगे म्यू टू अपॉन म्यू वन, ऐसे भी लिखा जा सकता है।
यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है? एब्सोल्यूट, ठीक है ना। तो अगर उन दोनों का जैसे म्यू वन टू, ठीक है ना, मैं आपको बहुत समझाता हूँ, इसको याद रखिए, ये बहुत काम का चीज़ है। म्यू वन टू का मतलब क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि यहाँ लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, इसको ये बोलेंगे, ठीक है। तो याद क्या रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है ये कि दिस इज व्हाट वी वन अपॉन वी टू एंड दिस इज म्यू टू अपॉन म्यू वन, आपको जनरली ये दिया रहेगा, ये याद रखिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। अगर एयर टू ग्लास जा रहा है तो मेरे लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी है, अगर वाटर टू ग्लास जा रहा है या ग्लास टू वाटर जा रहा है तो मुझे रिलेटिव का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, लिख लीजिए इसको। इसको याद रखिए, काम आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये क्या कहता है, व्हेन लाइट travels from one medium to second medium, then ratio of sine of इंसिडेंस एंगल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। इसको समझेंगे, यहां बनाएंगे फिगर, सपोज दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू, अगर एक इंसिडेंट रेट यहां आ रहा है और यहां बन रहा है, दिस इज नॉर्मल, सब वैसे की तरह वैसा ही चलेगा, ये इंसिडेंट रे है, इसको बोलेंगे क्या, इंसिडेंट रे, आपको पता ही है इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल आई और ये ऐसे ऐसे जा रहा था, ये मुड़ गया इधर, ठीक है, हम इसके बारे में लिखवा देंगे कंडीशन, ये है आर, ठीक है, देन दिस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू वन है, इसका म्यू टू है, देन दिस रेशियो इज कॉन्स्टेंट, यानी कि मैं बताता हूँ यहाँ पे कि साइन आई अपॉन साइन आर इज व्हाट साइन आई अपॉन साइन आर इज व्हाट, म्यू टू अपॉन म्यू वन, जो कि क्या है, म्यू वन विथ रिस्पेक्ट टू, ये कॉन्स्टेंट है, क्यों कॉन्स्टेंट है, क्योंकि म्यू तो खुद ही कॉन्स्टेंट है, तो उसका रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा, इसीलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं, और इसको एक और लॉ के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। हालांकि आप आगे जब बढ़ोगे, ट्वेल्थ में जाओगे, तो वेव ऑप्टिक्स में ये टॉपिक फिर से आएगा, और उस समय हम इसका प्रूफ भी निकाल लेंगे कुछ कुछ एजम्पशंस को रखकर, ठीक है, बट राइट नाउ इट इज़ अ लॉ, हमारे लिए एक लॉ है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, बाद में इसका प्रूफ आया था, ठीक है, खैर हमारे लिए तो एक लॉ है और लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, हमको ये मान के चलना है कि ऐसा होता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको याद रखिएगा, हालांकि इसको याद रखने का तरीका हम आपको और बता देते हैं, इसको याद रखने का तरीका समझिए क्या होता है। अगर हम इस मीडियम की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, इस मीडियम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होगा तो आपको कभी भी
ये म्यू टू अपन म्यू वन होगा कि म्यू वन अपन म्यू टू होगा, आपको याद करने का जरूरत नहीं है। बच्चे इसी में कन्फ्यूज रहते हैं, हम आपको बताते हैं समझे। इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है, म्यू वन, और इस मीडियम में एंगल कौन सा है, आई। तो म्यू वन इंटू साइन आई बराबर म्यू टू इंटू साइन आर, ये बराबर होता है, सिंपल, इसको याद रखिए बस, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। ठीक है, यानी कि म्यू और साइन उस एंगल का जो उस मीडियम में प्रेजेंट है, इस मीडियम में कौन सा एंगल प्रेजेंट है, आई। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू वन। तो म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू, इस मीडियम में कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू टू, और एंगल कौन सा है, आर। तो म्यू टू इंटू साइन ऑफ उसका एंगल जो उस मीडियम में है, तो म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू बराबर साइन आर। इसको याद रखिए, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ क्या है, वही जो उसमें होता था। अच्छा, ये इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे है, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, खैर हम इसको और भी हम लिखवा देंगे, आपको परेशान मत होइए। इसमें है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई इन सेम प्लेन। वही वाला पुराना कंसेप्ट, वो हम समझा चुके हैं आपको, ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसको पॉज करके आप लिख लीजिए। अब देखिए नोमेनक्लेचर जो कि आपको याद रखना है, नोमेनक्लेचर टू बी रिमेंबर्ड, याद रखना है। अगर ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है, दिस इज व्हाट नॉर्मल, दिस इज व्हाट नॉर्मल, इसको बोलेंगे क्या, इंसिडेंट रे, वहाँ लिख दिए थे इंसिडेंट रे। ये है आई, ये क्या है आई, आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिखने का आवश्यकता नहीं है। ये मान लीजिए ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये है म्यू वन, ये क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ वन। म्यू टू क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू। ठीक है, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, और ये क्या है, ये रे इधर की तरफ शिफ्ट हो गया है, बेंड कर गया है, इसी को तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये डेल्टा, अपने पाथ से ये इधर आ गया, इसलिए डेल्टा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, वही पहला वाला, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन। ये क्या है सरफेस। ठीक है, इसको याद रखिए। दूसरा जो याद रखने वाली बात ये है कि जैसे मान लो यहां से ये यहां गया, तो म्यू वन और म्यू टू, अगर म्यू टू ज्यादा है और म्यू वन कम है,
ठीक है, तो म्यू वन होगा रेयरर मीडियम और म्यू टू होगा डेंसर मीडियम, ठीक है, लिख देते हैं। सपोज इफ इट इज वन, इफ इट इज टू, म्यू वन एंड म्यू टू, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इफ म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन देन म्यू टू इज डेंसर मीडियम एंड म्यू वन इज रेयरर मीडियम, पतला मीडियम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसको बोलेंगे क्या, रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। मेरी बात समझ आई? तो परेशान बिल्कुल मत हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये मीडियम वन, ये वाटर है, तो म्यू डब्ल्यू होता है 1.66, वाटर का होता है 4/3, ठीक है, और वो होता है 1.66, और ये मान लो ग्लास है, ये वाटर, ये ग्लास, इस ग्लास का होता है 1.5, ठीक है। अब इसमें हमारे से पूछे डेंसर कौन है, ऊपर वाला, रेयरर कौन है, नीचे वाला, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए पॉज करके। जितना भी नोमेनक्लेचर हम यही पे लिखवा देते हैं, बाद में फिर मेरे से मत पूछिएगा कि कैसे आया, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए ये इतने सारे मीडियम हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये इतने सारे मीडियम हैं, मुझे चाहिए म्यू वन विद रिस्पेक्ट टू 5, अगर हमको चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए एक रे इधर आया तो फिर ये इधर बेंड किया, फिर ये इधर बेंड किया, फिर ये इधर बेंड किया, और फिर ये इधर निकल गया, मान लीजिए ऐसा कुछ कनेक्शन आया, ठीक है, तो मुझे इसके अंदर जो कुछ भी गया है, ठीक है ना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, समझे। अगर ये आई है तो ये क्या है, R1, तो ये क्या होगा, R1, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये मान लो R2 है, तो ये क्या होगा, R2, ठीक है, और ये क्या होगा, R3, और ये क्या होगा, R3, और ये क्या होगा, R4, नॉर्मल और इसके बीच का एंगल R4, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, समझे। अगर हम देखें तो साइन आई अपॉन साइन R1, ठीक है, या फिर ये नहीं याद रहता सर हमको, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी नहीं याद रहता, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव म्यू वन है, इसका म्यू टू है, इसका म्यू थ्री है, इसका म्यू फोर है, इसका म्यू फाइव है, ठीक। तो हम अगर देखें तो म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, ठीक, तो आपको क्या हो गया, साइन आई बाई साइन R1, ये शायद R1, हाँ ये R1, R1 इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक, समझ में आ रहा है, साइन आई बाई साइन R1 इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। उसी तरह अब इस सरफेस के लिए एंगुलर इंसिडेंस क्या हो गया, R1, तो साइन R1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू सिमिलरली म्यू थ्री अपॉन म्यू टू, यहाँ से यहाँ जा रहा है, सिमिलरली साइन, अब इस मीडियम के लिए इंसिडेंस एंगल क्या बन गया, R2, और रिफ्लेक्शन एंगल R3, साइन R2 अपॉन साइन R3 इज व्हाट, म्यू 4 अपॉन म्यू 3, और उसके बाद साइन इस मीडियम के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स R3 और इंसिडेंस एंगल R3 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R4, साइन R3 अपॉन साइन R4 इज इक्वल टू म्यू 5 अपॉन म्यू 4। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे सबको तो देखो साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन R2 अपॉन साइन R3 इंटू साइन R3
अपॉन साइन आर फोर, ठीक है, एक दो तीन चार, दैट इज इक्वल टू, ठीक है ना, हाँ, म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू म्यू थ्री अपॉन म्यू टू इंटू म्यू फोर अपॉन म्यू थ्री इंटू म्यू फाइव अपॉन म्यू फोर, म्यू फोर, ठीक है, म्यू फाइव अपॉन म्यू फोर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या कट जाएगा, देखो ये से कटेगा, ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, और वी विल हैव व्हाट, साइन आई अपॉन साइन आर फोर, मतलब काम का एंगल तो ऊपर वाला है और नीचे वाला है, बीच में क्या हुआ इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, यहाँ देखिए म्यू टू से ये कट जाएगा, म्यू टू से ये कट जाएगा, म्यू फोर से ये कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, तो म्यू फाइव अपॉन म्यू वन, और ये क्या है, ये है म्यू वन फाइव। देखिए मुझे सिर्फ इससे और इससे मतलब लेना देना है, बाकी बीच से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर मल्टीपल सर्फेसेस से रिफ्लेक्शन हुए हैं तो शुरुआत का क्या होगा और बाद का क्या होगा उसी से लेना देना है, बाकी बीच से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमको समझाने का मतलब कुछ और था। अगर आप ध्यान से देखो तो म्यू वन फाइव यहाँ पे क्या है, तो म्यू वन फाइव है म्यू वन म्यू टू इंटू म्यू टू, ये क्या है म्यू वन म्यू, ये क्या है म्यू वन म्यू टू, हाँ ठीक है, फिर आ गया म्यू टू म्यू थ्री इंटू म्यू थ्री म्यू फोर इंटू म्यू फोर म्यू फाइव, ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। यानी कि म्यू वन से फाइव को हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू वन से टू, म्यू टू से थ्री, म्यू थ्री से फोर, म्यू फोर से फाइव, ऐसे लिख सकते हैं, इसको याद रखिए। यानी कि अगर मल्टीपल प्लेन सर्फेसेस से अगर लाइट होके गुजरा है तो बीच वाले मीडियम से हमको कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम तो पहले और दूसरे, पहले और लास्ट वाले से काम चल जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ, अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ ऊपर वाले और नीचे वाले में लगाते तो भी मेरा काम बन जाता। मैं समझाता हूँ कैसे, इसको पहले लिख लीजिए पूरा। फाइनली देखिए, फाइनली तो यही आया है, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं सिर्फ पहले और पांचवें से काम मेरा कैसे बनेगा। यहां लगाइए, पहले वाले में कितना है म्यू वन इंटू साइन आई, और पांचवें वाले में म्यू फाइव इंटू साइन आर फोर, देखिए आ गया साइन आई अपॉन साइन आर फोर इज इक्वल टू म्यू फाइव अपॉन म्यू वन एंड दैट इज म्यू वन फाइव, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिए। नोट में क्या लिखना है मैं बता देता हूँ, समझे। इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मल्टीपल प्लेन सर्फेसेस plane surfaces, then we can only work with first and last surface, last first and last medium and ऑल इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब सारे बीच वाले, ऑल इंटरमीडिएट मीडियम्स आर इमटेरियल, ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद सारी बातें हो गई, डेंसर और रेयर आपको समझ में आ गया। फिर जो पॉइंट लिखना है आपको वो लिख लीजिए, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम
देन वन सॉरी सॉरी इसको ठीक कर लीजिए, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन लाइट बेंड टुवर्ड नॉर्मल। इसको समझेंगे कैसे, समझिएगा इस बात को, समझिएगा ध्यान से। ये सरफेस है, ये वन है और ये टू है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन। गिवन क्या है कि म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन, यानी कि ये डेंसर है ये रेयरर है, ठीक है। मान लीजिए कि एक लाइट ऐसे गिरा, ये नॉर्मल है और ये है इंसिडेंट एंगल। ये लाइट किधर जाना चाह रहा था, ऐसा, बट ये इधर नहीं, ये नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ेगा, ये है नॉर्मल, इसके तरफ मुड़ जाएगा, ये ऐसा, ये है आर, ठीक है, ये कंडीशन। और दूसरे में वाइस वर्सा, इफ लाइट travels from denser medium to rarer medium, then it bends away from normal. अच्छा एक चीज देखिए जरा, इस केस में अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ये तो डेल्टा हो गया, इसके इसमें डेल्टा क्या होगा, अगर ये आई है तो ये कितना होगा आई, क्योंकि ये तो वही लाइन है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो डेल्टा कितना होगा, आई में से ये घटा देंगे आई माइनस आर, ठीक है। फिर ये इसमें सपोज करिए इफ इट इज वन एंड इफ इट इज टू, इसका रिफ्लेक्टिव वन इसका टू, एंड गिवन क्या है, म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, ठीक है, म्यू टू आई, और ये लाइट जा रहा था ऐसा चुपचाप मजे में, तो नॉर्मल तो इधर है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा ऐसा। नाउ दिस इज व्हाट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, और ये है डेल्टा, ये इधर गया है डेल्टा। नाउ व्हाट इज डेल्टा, ये आई है तो ये आई होगा और ये आर है, आर में से अगर आई घटा देंगे तो डेल्टा नहीं निकल जाएगा, इज आर माइनस आई, ठीक है। और अगर मान लो बोला गया स्नेल्स लॉ लगा, लगा लो स्नेल्स लॉ, क्या दिक्कत है, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, क्या दिक्कत है। ये जो मैंने बताया वो कहीं भी लगेगा, यहाँ भी लगा लो, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। हम एक छोटा चीज़ और समझाते हैं, समझिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी याद होगा तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, और साइन थर्टी क्या होता है, वन बाई टू। तो जीरो से लेकर थर्टी डिग्री तक बढ़े तो साइन का वैल्यू बढ़ा कि घटा, बढ़ा ना, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो पॉइंट फाइव हो गया, साइन 31 बाई टू होता है तो वो 0.5 होता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर 0 से लेकर 30 तक बढ़े साइन, अगर एंगल बढ़ेगा तो साइन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, आंसर है बढ़ेगा। आप 0 से 30 तक जाइए, साइन 0 0, साइन 31 बाई टू, और आगे बढ़ेगा तो, और साइन 30 का वैल्यू साइन 60 से कम होता है, ठीक। यहाँ एंगल कौन सा बड़ा है, आई या आर, तो आंसर एंगल आई, तो साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई ज़्यादा होना चाहिए साइन आर कम होना चाहिए, देखो तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर में म्यू टू है नीचे में म्यू वन है, देखो तो कौन बड़ा है, म्यू टू बड़ा है और म्यू वन छोटा है, तो ठीक तो है, सेटिस्फाई कर तो गया। ये चीज़ यहाँ भी चेक कर सकते हो, आई बड़ा है कि आर बड़ा है, तो आंसर है आर बड़ा है, तो आई अगर छोटा है तो साइन आई भी छोटा होगा और साइन आर बड़ा होगा, तो वैसे ही यहाँ होना चाहिए, k
क्या म्यूटू छोटा है? देखो मैंने लिया है म्यूटू छोटा, म्यूटू छोटा म्यू वन बड़ा, ऐसे लॉजिकली सोच सकते हो और कोई खास बात नहीं है। लिख लीजिए इसको, तो वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अच्छा अब बोलता है कि सर ऐसा बताइए कि अगर रेयर डेंसर हुआ ही नहीं, ऊपर वाला मीडियम भी बराबर, ऊपर वाला मीडियम नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों बराबर है तो क्या होगा? अरे भाई तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, वो तो सेम मीडियम है ना, कंफ्यूज मत होना। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एक डेंसर होगा एक रेयर होगा, ये तय बात है। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और याद रखिए, अगर ये सरफेस है, ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई भी सरफेस रेयर डेंसर कोई भी ले लो, ये नॉर्मल है, ये ठीक है, अगर रे इसी पे आ रहा है तो आई कितना है? जीरो। उस केस में आर कितना होगा? कर लो, करना हो कर लो, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे भाई कर लो, साइन आई बाई साइन आर क्या होगा? म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक, चलो तुम ही खुश, ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि साइन आई जीरो है तो साइन जीरो जीरो, और इन टू म्यू वन अपॉन म्यू टू, और इज इक्वल टू इसको यहाँ ले जाते हैं साइन आर, तो ये भी तो जीरो हो गया। ठीक है, अब साइन आर बराबर क्या हो गया? जीरो, तो आर बराबर क्या होगा? जीरो। यानी कि अगर ये ऐसा आएगा तो ऐसा ही निकल जाएगा, यहाँ पे एंगल आर भी क्या है? जीरो। ठीक है, ऐसे इंसिडेंस को बोलेंगे नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में रेस सीधे चले जाते हैं विदाउट बेंडिंग। ठीक है, दूसरा ग्रेजिंग इंसिडेंस, वहां भी सेट कराए थे ग्रेजिंग इंसिडेंस, मतलब ये नॉर्मल और रेज ऐसे आ रहे हैं, ये कितना है? 90 डिग्री, तो ये कहीं ना कहीं ये बेंड तो करेगा ही, ये ऐसे जा रहा है, तो मान लीजिए ये हमने ऐसा दिया, ये म्यू वन और ये म्यू टू, ठीक है, मतलब मीडियम वन और मीडियम टू, और आई एम गिविंग यू म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, तो ये रे ऐसे जा रहा है, ऐसे निकल जाता, बट ये डेंसर है, अगर ये डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, तो वो ऐसे आएगा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन आई कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल आई 90 डिग्री है तो वो उसको बोलेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, खाना, मतलब गाय लोग खाता है ना, उसको बोलते हैं चरना। देखो ये रेस लग रहा है ना कि जमीन को छूते हुए निकल रहा है, इसलिए इसको ग्रेजिंग इंसिडेंस का नाम दिया है। इस केस में हम एंगल आर भी निकाल सकते हैं, अगर हमको म्यू वन म्यू टू पता है तो कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज म्यू वन इंटू साइन 90 इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, तो साइन 90 तो वन होता है, तो साइन आर क्या हो जाएगा? साइन आर हो जाएगा म्यू वन अपॉन म्यू टू, इससे हम आर निकाल सकते हैं। खैर जैसा सवाल होगा वैसा काम किया जाएगा, लिख लीजिए इसको। ये दो तरह के इंसिडेंस एंगल याद रखिए, एक नॉर्मल इंसिडेंस एक ग्रेजिंग इंसिडेंस काम आएगा आपको। ठीक है, अच्छा पहले हम लोग जितना भी काम करेंगे सब रेयरर से डेंसर की काम करेंगे, क्योंकि डेंसर से रेयर में एक नया फेनोमेना आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी बात बाद में करेंगे हम लोग, पहले जितना भी बात करेंगे सब का सब रेयरर से डेंसर की ही बात करेंगे। ठीक है, मतलब डेंसर से रेयर भी एक आध जगह जाएंगे लेकिन हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बात नहीं करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रेयर से डेंसर जब जा रहा है, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर डेंसर से रेयर जा रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 डिग्री, उससे ज़्यादा थोड़ी नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा तो दूसरे मीडियम में चला जाएगा। ठीक है, तो एंगल आई का मिनिमम वैल्यू जीरो, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं एंगल आई ये रेंज है इंसिडेंस एंगल का,
लिख लीजिए इसको। अब हमको लगता नहीं है कि हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज फिर से आपको बताएं। आपको पता है यहाँ भी वही कहानी है, रेज सही में कटेंगे, ठीक है, रेज अगर सही में कटेंगे तो रियल, और अगर वर्चुअली मिलेंगे, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे वर्चुअल, ठीक है। चल ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। देखिए एक बात बताते हैं, कुछ कुछ फेनोमेनास देख लीजिए जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, काम आएगा। अब तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही चलेगा, ठीक है। देखिए फेनोमेना क्या है, हम लोग जो पढ़ेंगे अभी वो है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस, प्लेन सर्फेसेस, ठीक है, प्लेन सर्फेस से जो भी। तो एक तो है जब रेयर से डेंसर गया, एक जो डेंसर से रेयर गया, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में हम लोग मीडियम एयर को ही रखेंगे, एक मीडियम, ठीक है। मान लीजिए ये कंडीशन ऐसा आ गया, ठीक है, तो ठीक, तो मान लीजिए ये कंडीशन, ये आप एयर लेना चाहते हो तो एयर ले लो, एयर ले लोगे तो ऑटोमेटिकली म्यू क्या हो जाएगा, एयर को हम नॉट से रिनोट करेंगे, एयर को या वैक्यूम को, याद रखिएगा। और ये है कोई मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक। मान लीजिए ऐसा ये नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहां है, कोई ऑब्जेक्ट यहां है, ये ऑब्जेक्ट, ये हमको कहां दिखेगा। तो एक तो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट, कैसा है पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसका इमेज भी कैसा आएगा, पॉइंट ही आएगा, कहीं से कोई डाउट मत रखना, ठीक है ना। तो पॉइंट बनाने के लिए मिनिमम कितने रेस का हो सकता है, दो। कितने रेस का हो सकता है, दो। कितने रेस का हो सकता है, दो, ठीक है ना। कोई दो रे ले लीजिए, एक रे मेरे लिए जो फ्रूटफुल है वो ये है कि नॉर्मल इंसिडेंस बढ़ा के इसको ऐसे कर दे, ठीक है, तो वो तो ऐसे गया, ठीक है। ये दूसरा रे आपको लेना पड़ेगा ऐसा, ये ले लो। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ये एंगल बनाया आई, तो मुझे बताइए दोस्तों ये तो जाएगा ऐसा, ये किधर घूमेगा। हम आपको दे रहे हैं कि म्यू, अगर ऊपर एयर है तो एयर से जो भी मीडियम होगा तो बढ़ा ही होगा ना, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, नोट में एक लाइन और लिख लीजिए, आप नोट में एक लाइन और लिख लीजिए, पहले जो लिख रहे थे वहाँ नोट में एक लाइन और लिख लीजिए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, वन से बड़ा ही होगा, ठीक है, लिख लीजिए इसको। ये आई है तो ये अंदर की तरफ मुड़ेगा, ये है आर। अब ये कहाँ जाएगा इसको, अब देखो ये रे और ये रे, ये दोनों रे कभी मिलेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये कभी जीवन में नहीं मिलने वाला, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रेस, ये यहाँ आपको इमेज दिखाई देगा, ठीक है। सही बात तो ये है कि आपको इमेज यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस केस को हम कैसे निकाल सकते हैं, अच्छा पहले हमको ये बताइए, अगर रेज कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में रखा हुआ है और हम यहाँ से देख रहे हैं डेंसर मीडियम से, तो हमको कहाँ दिखेगा, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखेगा या ऑब्जेक्ट के नीचे दिखेगा, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखेगा। ये क्या है, रियल डेप्थ, ये असली डेप्थ तो ये है इससे, लेकिन दिख क्या रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ का मतलब क्या, जो नजर आ रहा है, समझ आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा ये क्या है, ये शिफ्ट किया है, ये शिफ्ट है, इसको मान लो एक्स, इसको बोलते हैं अपेरेंट शिफ्ट, अपेरेंट शिफ्ट। अच्छे अच्छे बुकों में देखोगे तो ये सारा चीज मिलेगा, ठीक। चलिए उसके बाद हम लोग किस रेस की बात पढ़ रहे हैं,
पैराएक्सियल रेस। यहाँ भी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ पैराएक्सियल के बारे में। ये हम पहले ही लिखवा दिए थे, वो यहाँ भी कंटिन्यूड चलेगा। हम लोग किस रे की बात कर रहे हैं, पैराएक्सियल रेस की बात कर रहे हैं। किस रे की बात कर रहे हैं, पैराएक्सियल। पैराएक्सियल रे क्या होता है, जो बहुत क्लोज होता है या ऐसा बोले कि एंगल छोटा होता है। ठीक, चलिए कोशिश कीजिए समझने का, समझ में आएगा। अब देखिए ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, ये दोनों तो पैरेलल लाइन है। तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या होगा, आई। ठीक है, और ये अगर आर है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये एंगल कितना होगा। हाँ ठीक, तो अगर ये आर है तो ये तो यहीं से गया ना। हाँ, ये आर है तो ये कितना होगा, आर। और अगर ये आर होगा तो मुझे बताएं ये कितना होगा, ये भी तो आर होगा। बोलिए, होगा। अब आप ऐसा समझिए, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, और इसको मान लीजिए X नहीं, इसको Z मान लीजिए, या A मान लीजिए, जो भी मानना है मान लीजिए। ठीक, मुझे निकालना है बेसिकली, समझे बात को। हमको क्या पता होता है, हमको ये पता होता है, क्योंकि हमको ये हम ही ना डाले हैं, या वी नो दिस थिंग dr, मैंने कितने ऊपर रखा है इस सरफेस से, ये मुझे पता होता है। मुझे dA नहीं पता होता है, मुझे x नहीं पता होता है। ठीक है, अब समझिए, इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, अगर देखा जाए तो यहाँ छोटे एंगल्स के लिए हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दें। इफ थीटा इज स्मॉल, आपको हम कराए थे ये कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, मैंने कराया था ये चीज, आप याद करिए। ठीक, तो tan i क्या होगा, ये तो परपेंडिकुलर, इसमें कहीं से किसी कोई संदेह नहीं होगा। अगर हम बात करें कि tan i इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हालांकि चलिए पहले tan i निकाल लेते हैं। tan i क्या होगा, दिस परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और जिस पे है वो बेस, तो z अपॉन dr, और यही क्या है, अप्रोक्सीमेटेड sin i, क्योंकि ये छोटा एंगल है। ठीक, ये रियल डेप्थ है, इसको छोटा आर ले लीजिए। ठीक है, अच्छा दूसरा, इन ट्रायंगल IPQ tan r इज इक्वल टू z अपॉन dA। ठीक है, ये हम बार बार ट्रायंगल लिखने की आवश्यकता नहीं, इससे काम चल जाएगा। ठीक है, ये कहानी। नाउ, और यही किसके बराबर है, साइन आर के बराबर, क्योंकि छोटा एंगल है। बिकॉज वी हैड टेकन आवर अजम्पशन दैट रेज आर पैराएक्सियल, एंड फॉर पैराएक्सियल रेज ऑल द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंड फॉर वेरी स्मॉल एंगल वी कैन टेक साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ये पढ़ा चुके हैं हम आपको। ठीक, चलिए, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा इस केस में। अब इस सरफेस पे हो रहा है ना, तो इस सरफेस पे ये है इसका इंसिडेंट रे और ये है इसका रिफ्रैक्टेड रे, लगाइए यहां पे, दैट इज 1 into sin i, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये सरफेस, इसके बीच में, इन दोनों सरफेस में आप लगाइए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो क्या आएगा, 1 into sin i इज इक्वल टू म्यू, इसका तो म्यू है ना, म्यू इंटू साइन आर। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर क्या हो गया, इज म्यू। ठीक है, क्या साइन आई और साइन आर टेन आई और टेन आर के बराबर है, तो क्या यहां से वैल्यू रख सकते हैं, रख दीजिए, तो दैट इज इक्वल टू साइन आई का वैल्यू कितना है, जेड बाई डी आर अपॉन साइन आर का वैल्यू क्या है, जेड अपॉन डी ए। सो इफ यू सी, अगर आप काट पीट करोगे तो आएगा डी ए अपॉन डी आर, और यहां से हमको समझ में आ गया कि
डी ए क्या है निकालना, तो वही था ना डी ए, तो डी ए बराबर क्या हो गया म्यू इंटू डी आर। नोट में जो हम बोले थे ये लिख लीजिएगा जरूर कि म्यू किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ये जरूर लिख लीजिएगा। यानी कि ये अगर म्यू लिखे हैं तो क्या ये ग्रेटर देन वन है? बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि ये डी ए डी आर से बड़ा है कि छोटा है? तो आंसर है बड़ा है। तो अगर बड़ा होगा तो डी आर में हमको वन से ज़्यादा वाला क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने म्यू मल्टीप्लाई कर दिया। ये याद रखने का तरीका और कोई खास बात नहीं है। सो डी ए वुड बी इक्वल टू व्हाट? म्यू इंटू डी आर। इसको दोस्तों लिख लीजिए आप, ठीक है? तो ये निकल गया आपको डी ए, ठीक है? इसको पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अब अगर हम अपेरेंट शिफ्ट की बात करें, जिसको हमने लिखा x, वो क्या है? दैट इज डी ए माइनस डी आर। अगर इस पूरे में से अगर ये घटा दे तो ये नहीं निकल जाएगा, दैट इज डी ए माइनस डी आर। ठीक है, x इजिकल टू क्या हो जाएगा? डी ए क्या आया है? तो म्यू टाइम्स डी आर माइनस डी आर। यहाँ एक्स क्या हो जाएगा? म्यू सॉरी डी आर इंटू म्यू माइनस वन। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको रियल डेप्थ दिया हुआ है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और एयर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या हमको अपेरेंट शिफ्ट निकाल सकते, कितना शिफ्ट हुआ वो? दिस वन। ठीक है, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए इसको। चलिए मुझे ये बताइए अब आप लोग सोच के, स्टार ऊपर होता है, चलिए हम मानते हैं कि एयर का और वैक्यूम का दोनों का स्पीड ऑफ लाइट लगभग लगभग बराबर होता है, लेकिन अगर हम एक्चुअल सिचुएशन में आपसे पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम का ज़्यादा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट एयर का ज़्यादा होगा, भले ही थोड़े ही हो, किसका ज़्यादा होगा? तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम का ज़्यादा होगा, एयर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम है। ठीक, अब समझिए, स्टार तो बहुत दूर होता है एकदम वैक्यूम वैक्यूम में एकदम ऊपर, ठीक, और हम होते हैं ज़मीन पे, तो नीचे तो एयर है ना, हम तो एयर में हैं और स्टार ऊपर है वैक्यूम में, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो डेंसिटी एयर का क्या होता है? घटता चलता है। ठीक है, या तो ऐसे समझिए, नीचे ग्रेविटी ज़्यादा है तो एयर पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है, तो नीचे का डेंसिटी जो होता है सरफेस का डेंसिटी ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे डेंसिटी घटता चला जाएगा। तो बहुत ऊपर है स्टार, तो बहुत ऊपर है, उसका डेंसिटी तो और भी कम है। ठीक है, तो हम खड़े हैं और स्टार ऊपर में है, तो हम तो देख रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट स्टार है वो किस में है? रेरर में कि डेंसर में? रेरर में। और हम कहाँ से देख रहे हैं? डेंसर में। क्या यही सिचुएशन है? यस, यही सिचुएशन है। तो क्या सर हमको जो स्टार दिख रहा है क्या वो और दूर है, दूर दिख रहा है जितना वो एक्चुअली में है? आंसर है हाँ, स्टार जितने पे होता है उससे दूर दिखाई देता है, और यही रीजन है उसका। ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई स्टार अपीयर्स टू बी फार देन एक्चुअली इट एग्जिस्ट। इसको लिख लेंगे। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मैं बताऊं आपको, व्हाई स्टार अपीयर्स फार देन इट एक्चुअली एग्जिस्ट, तो रीजन इज दिस वन। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज स्टार इज इन रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम
एज कंपेयर टू आवर आई एंड दस द कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन मेक्स इट फार देन इट एक्चुअली एग्जिस्ट। ठीक है, देन इट एक्चुअली एग्जिस्ट। ये एग्जाम में, और एग्जाम में अगर वो आता है तो वो लिख दीजिए और ये बना दीजिए आंसर आपका पूरा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो इससे आपको समझ में आता है कि स्टार क्यों दूर नजर आता है। ठीक है, चलिए रब करें इसको, इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए कि हम वाटर सरफेस में हैं, या मछली है मान लो, मछली मतलब फिश, ठीक है, और यहां पे ये चिड़िया है चील, ठीक है, ऐसा है। ठीक, हम आपसे ये पूछे कि मछली को चील, चील मतलब ईगल, ठीक है, ये फिश ये ईगल, तो इसका डेप्थ जो है ये लगभग है मान लो कि 2 मीटर, ठीक है, और ये पानी ऐसा है कि इसका म्यू जो है वो √2 है, ऐसा ऐसा पानी है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वाटर में होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इसका ऐसा है, मैंने आपको दे दिया कि ये √2 है, तो ये तो एयर है, ये तो जाहिर सी बात है हवा में उड़ेगा, ठीक है, ऐसा कंडीशन है। तो इस मछली को, ठीक है, इस मछली को और भी अगर आपको अजम्पशन लेना और आसान करना है तो और भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए यह एकदम सरफेस पे है, ऐसा समझ लीजिए सरफेस पे, ये यहाँ पे ये फिश और ये एकदम सरफेस पे है, तो इसको ये चील कितनी दूर नजर आएगा? क्या इसको चील 2 मीटर पे नजर आएगा? आंसर है नहीं। क्या इसको चील और दूर नजर आएगा? आंसर है हाँ, ये कहीं ना कहीं इसको यहां नजर आएगा एपरेंट डेप्थ पे। तो हमको क्या डीए निकालना है? आंसर है हाँ, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, हमको पता है कि डीए बराबर होता है म्यू टाइम्स डीआर, ठीक है, तो डीए बराबर क्या हो गया? √2 × 2, यानी कि डीए बराबर 2√2 मीटर, यानी कि इसको नजर आएगा कितने पे? 2√2 मीटर पे। ये ईगल का इमेज है, इसको तो यही नजर आएगा और इसी धोखे में बेचारा मारा जाएगा। मेरी बात आ रही समझ में? सिंपल है, इसको रियल कंडीशन से आप इसको देख सकते हैं। इसको ये चील ऊपर नजर आएगा, क्यों? ये ठीक है, ये है एग्जांपल नंबर 1, लिख लीजिए इसको। अब वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अगर पूछ दे शिफ्ट कितना हुआ, तो शिफ्ट कितना हुआ, इसमें से घटा दो 2√2 − 2, यानी कि 2 × √2 − 1। अगर शिफ्ट की बात करें कितना शिफ्ट हुआ, तो ये है x, निकाल दीजिए x = √2, मतलब इसमें से 2√2 − 2, दैट इज 2 × √2 − 1 मीटर, लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब मान लो एग्जांपल नंबर 2, इसी में हमने वो ऊपर किया आसान बनाने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे से ये इफेक्ट नहीं होगा। मान लो नीचे दिया हुआ है ऐसा, ये फिश और ये है मछली, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है कि ये है आपको 0.25 मीटर पे, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए ये कितनी दूरी पे होगा? इसको ये तो दिखेगा नहीं, दिखना तो ये है,
तो ये कितनी दूरी पे दिखेगा, तो 2√2 और प्लस 0.25, इसमें कोई अंतर थोड़ी ना आएगा, ये तो पानी में ही है, इसमें कोई अंतर थोड़ी ना आएगा। तो उसमें क्या करेंगे, डीए निकालेंगे सरफेस के हिसाब से और जितना नीचे वो जोड़ देंगे बस। तो यहां डीए क्या हो जाएगा, प्लस 0.25, तो यहां पे होगा 2√2 प्लस 0.25, बस सिंपल। नहीं आया समझ में, करना क्या है, ये इसके सर, देखो ये जो भी निकलता है वो सरफेस के हिसाब से ही निकलता है, इस सरफेस के हिसाब से ही सब कुछ निकलेगा। तो सरफेस के हिसाब से पहले निकाल दीजिए और जितना है उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। और एक्स पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक्स तो उतना ही होगा, अगर एक्स पूछ ले तो वो उतना ही है, 2√2 − 1 मीटर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। अगर आप 12th में होते तो मैं आपको ये भी बता देता कि ये चील कितने वेलोसिटी से जाएगा उसका हंट करने के लिए, ठीक है, और मछली को कितने तेज़ी से भागना पड़ेगा। खैर उसकी बात 12th में करेंगे, अभी आपको वेलोसिटी का नॉलेज है नहीं वैसे, ठीक है। तो ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, देखिए मैं बताता हूँ, रब कर इसको, दूसरा कंडीशन है, यहाँ पे एक बार लेके आएंगे हम रेयर मीडियम का ये डेंसर टू रेयर का कहानी। दूसरा, मान लीजिए कि ये है आपका म्यू और ये है आपका एयर और ये है म्यू वन, ये मान लीजिए म्यू, ये डेंसर मीडियम है, ऑब्वियस सी बात है कि म्यू ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है। और मान लीजिए कुछ चीज यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अच्छा पिछले केस में कैसा इमेज बन रहा था, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल भाई मेरे भाई, ये तो ऐसे जा रहा था, वो तो पीछे मिल रहा था, तो इमेज वर्चुअल बन रहा था, ठीक है। खैर अब देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट का हमको इमेज बनाना है, तो कितना रे लेंगे, दो, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक रे तो यहाँ से सीधा ले जाइए ऐसा, और ये तो सीधा जाएगा, ठीक है। दूसरा, एक रे यहाँ ले जाइए, ये नॉर्मल है, ये हो गया आई, ठीक है। ये रे बेचारा ऐसा जाना चाहता है, ठीक है, ये रे ऐसा जाना चाह रहा है, लेकिन ये मुड़ेगा किधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल ये है तो अवे, क्यों, क्योंकि ये रेयरर है, ठीक है। ये है आपका आर, तो इमेज कहाँ दिखाई देगा, अब देखो ये और ये कभी जीवन में मिलने वाले हैं नहीं, तो इसको पीछे लाना पड़ेगा, आपको इमेज इसका यहां दिखाई देगा, समझ में आ रहा है, इमेज आपका यहां, ये भी कैसा मीटिंग है, वर्चुअल की रियल, वर्चुअल, ये देखो ये तो कभी जीवन में मिलने वाले नहीं है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात, फिर वही कहानी करेंगे, मान लो ये P है, ये Q है, ठीक है, तो ये I है तो ये क्या हो जाएगा, I, और ये R है तो ये भी R, ये R तो ये भी R, आप करके देख ले, ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मान लीजिए जेड, वैसे ही पहले वाले की तरह, ठीक है। ठीक है, इस कंडीशन में ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू अगेन पैराएक्सियल रेस, अगेन इट इज गिवन पैराएक्सियल रेस, एंगल छोटे होंगे, और जो कंडीशन पहले लिए वही कंडीशन यहां भी लगेगा, ओ पी क्यू टेन आई बराबर जेड अपॉन दिस डिस्टेंस, यहां पे ये है रियल, ये है आपको क्या, ये है आपका, पहले आप ये ले लीजिए, ये है आपका क्या, अपेरेंट डेप्थ जो अपीयर हो रहा है, और रियल डेप्थ क्या है, ये दिस इज रियल डेप्थ, ठीक है, और ये क्या है, शिफ्ट, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, एक्स अपेरेंट शिफ्ट, यहां भी वही सब कैलकुलेशन करेंगे, तो टेन आई बराबर क्या होगा, टेन आई बराबर जेड अपॉन दिस डिस्टेंस डी आर, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन आई, ठीक है,
टेन आर बराबर क्या हो जाएगा? नाउ वी हैव टू सी इन ट्रायंगल व्हाट, नाउ सी इन ट्रायंगल आई पी क्यू, ठीक है, तो टेन आर बराबर जेड अपॉन डी ए विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन आर, ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, लगाइए वन इंटू साइन आर बराबर म्यू इंटू साइन आई. देखिए ये है इंसिडेंट रे और ये है ये, ठीक है. अब चाहे ऐसे से ऐसे कर लो, ये नीचे नीचे से ऊपर जाना तो नीचे से ऊपर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत है. म्यू इंटू साइन आई बराबर वन इंटू साइन आर, इसको इधर लिख दो उसको उधर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. तो आपको आ गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू, ठीक है. अब ये वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए, साइन आई क्या हो जाएगा, जेड अपॉन डी आर अपॉन जेड अपॉन डी ए इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू, ठीक है. अब यहाँ से इक्वेट करके आ जाएगा डी ए अपॉन डी आर वन अपॉन म्यू, तो मुझे क्या पता होता है डी आर, तो डी ए क्या हो जाएगा डी आर अपॉन म्यू, ठीक है. अब देखिए समझने का तरीका, म्यू हमेशा वन से ज़्यादा होता है तो उसे डिवाइड कर देंगे तो छोटा हो जाएगा. अपेरेंट डेप्थ इस केस में छोटा होता है, उस केस में बड़ा होता है. तो अगर डी आर में जो क्वांटिटी वन से ज़्यादा है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो छोटा हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड करेंगे, ठीक है. इसको लिख लीजिए, अच्छा कोई और मीडियम होता तो भी हम काम कर सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे. अब पॉज करके लिख लीजिए इसको, ठीक है. अब यहां पे अगर x निकालना हो, एपरेंट शिफ्ट क्या होगा, तो दैट इज डी आर माइनस डी ए, ठीक है. डी आर माइनस ये क्या है, तो डी आर अपॉन म्यू कितना हो जाएगा, डी आर इंटू वन माइनस वन बटा, याद रख लीजिए इसको, ठीक है. पॉज करके लिख लीजिए आप. ठीक है ये कंडीशन. अब हम आपसे एक बात बताते हैं, एक मान लीजिए कि एक टब में सिक्का रखा हुआ है, ठीक है, पानी में, तो कहाँ नजर आता है, ऊपर में. कहाँ नजर आता है, ऊपर में, क्यों, यही रीजन है, ठीक है ना. तो इससे एक सवाल हो जाता है, फॉर दी एबव कंडीशन क्वाइंस इन वाटर appears to be above than it actually exists. ये common phenomena है जो हम लोग daily life में observe करते हैं. तो कितना ऊपर हो जाता है वो, तो dr जितना actually में है into 1 minus 1 upon mu, लिख लीजिए इसको, ठीक है. चलिए इसमें example देखिए. एग्जाम्पल वन, मान लीजिए एक टब है, ठीक है, और ये वाटर भरा हुआ है, ठीक है. ये टब है, ठीक है, और यहां पे एक कॉइन रखा हुआ है. अच्छा इसमें देखना किधर से, इधर से हम लोग कहां से देखते हैं, ऊपर में, जिधर में ये रुड़े रेस जाते हैं ना, हम लोग देखते हैं उधर से ही, ठीक है. चलिए अब ये कॉइन जो है, मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर पे है, तो हमको कितना ऊपर ये दिखाई देगा, और इसका म्यू, ये वाटर है तो म्यू ले लीजिए रूट टू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. तो हमको ये कितना ऊपर नजर आएगा अगर हम इसको यहां से देखते हैं, जस्ट यहां से, अगर हम जस्ट सरफेस पे देख रहे हैं तो हमको ये कितना ऊपर नजर आए, कहाँ नजर आएगा, तो एक्चुअली यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं यहाँ नजर आएगा,
रेज अपना कर लीजिएगा, एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ तो ये है बट नजर कहाँ आएगा, इतने डेप्थ पे है ना। सो दिस इज डी ए, ये क्या है डी ए, और ये क्या है डी आर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा डी ए, सिंपल है, डी आर कितना है 20 सेंटीमीटर ना, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करें रूट टू से डिवाइड करेंगे क्योंकि वो छोटा होने वाला है, ये हो गया। एक्स निकालना जाए, अगर मान लो ये पूछे कि ये कितना आगे बढ़ गया, ये कितना ऊपर चला गया, तो एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट टू सेंटीमीटर, ये भी जो आएगा सेंटीमीटर क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर, ठीक है। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल वन लिख लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए आप। इसी में आते एग्जाम्पल नंबर टू, मेरा आँख यहाँ नहीं है, यहाँ है, सपोज मेरा आँख है 20 सेंटीमीटर ऊपर, इसको कैसे करेंगे, तो सरफेस से सारा काम करेंगे और जितना ऊपर में होगा उसको हम जोड़ देंगे, काम सारा सरफेस से ही करना है, जो भी अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ है सब सरफेस से ही आएगा, ठीक है। तो डी ए कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, सरफेस से काम करिए और जो भाई उसमें ये जोड़ दीजिए, बात खत्म। तो डी ए कितना आएगा, डी ए तो होगा डी आर यानी कि 20 बाई रूट टू, ठीक है, और प्लस एक्स्ट्रा कितना है 20 सेंटीमीटर ऊपर 20, ठीक है। तो डी ए जो हमको दिखेगा, हमको जो दिखने वाला है वो 1 बाई रूट टू प्लस 1 पे दिखेगा, ठीक है। एक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक्स को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो 20 माइनस 20 बाई रूट टू, सिंपल वैसे ही पिछले बार की तरह, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको, हम तो मिटा के कर दिए, आपको फिर से करना पड़ेगा। चलिए वीडियो पॉज करके लिख लीजिए आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, वही पुराना वाटर है, ठीक है। अब चील का बदला भी तो लेंगे, ये है मछली, चील को खाना है इसको, ठीक। ये मछली है मान लो कि 20 सेंटीमीटर पे मान लीजिए, ठीक है, और चील है यहाँ, ठीक है, चील है आपको मान लीजिए वो भी 80 सेंटीमीटर पे, ऐसा सपोज कर लीजिए, ठीक। तो इसको ये मछली कितने दूर देखेगा, ये म्यू है मान लीजिए रूट टू। अच्छा म्यू का यूनिट क्या होता है, कभी कोई पूछ देता है कि म्यू का यूनिट क्या होता है, कोई यूनिट रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, जैसे उसका कोई यूनिट नहीं होगा किसी का भी, एब्सोल्यूट का, रिलेटिव का, किसी का भी। खैर इसका आंसर क्या होगा, सिंपल है आपको ये इस, अब क्या देखना है, ईगल को देखना है, किसको, फिश को, ईगल को देखना है, फिश को, ईगल को देखना है, फिश को, ईगल सीज फिश, उसमें क्या था, फिश सीज ईगल लिख लीजिए उसमें, तो कितने में दिखेगा। तो अगर इसको इसको देखना है तो ये तो डेंसर मीडियम है, ये खुद रेयर मीडियम में है, तो ये इसको ऊपर नजर आएगा, ये तो इसको यहां नजर आएगा बेसिकली, ये है एफ डैश यानी कि इसी का इमेज, तो ये है आपका ये दैट इज डी ए अपरेंट डेप्थ। तो चील को कितना नजर आएगा, चील को जो नजर आने वाला है वो तो सबसे पहले तो ये है 20 बटा रूट टू, ठीक है, और प्लस 30 सेंटीमीटर, आंसर तो ये है चाहे जो भी आ जाए, ठीक। और अगर पूछते रियल डेप्थ यानी कि कितना ऊपर भाग गया, कितना ऊपर इसका इमेज लगेगा, एक्स वुड बी इक्वल टू, उसके लिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इसी से काम करिए, दैट इज 20 माइनस 20 बाई रूट आंसर, ठीक है। तो आई थिंक ये कंडीशन आपको समझ में आया हो, ठीक है, ये है रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन बस, ठीक है। तो इसको अच्छे से घर पे खुद से क्वेश्चन बनाइए, खुद से लिखिए और क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़िए।